subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. बच्चे हैं, मैं इनको बहुत उम्र से छोटी उम्र से जानता हूं, आप भी जानते हैं ऑफ कोर्स, और मैंने इन्हें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस स्कूल में मैं सिखा रहा हूं उस स्कूल के आप प्रिंसिपल, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं जितना सिखा सकता मेरा खत्म हो गया सर, अगर आप इनकी जो पढ़ाई है, इनकी जो एजुकेशन है आगे ले जा सकें KBC के जरिए, तो मैं बहुत 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 धन्यवाद कर सकता हूँ आपका. एंड बहन, थैंक यू वेरी मच. KBC के लिए तो कुछ सेट वगैरह लगाना पड़ेगा. ओ, आगे सर मैं बड़ा ही, हम रिलायंस के अंदर ना हम बड़े सॉलिड हैं, एक चीज में हर चीज रेडी कर लेते हैं. क्या बात है, आइए. एवरीथिंग इज देयर, द सेट इज रेडी. आकाश, ईशा, अनंत, अमित जी गोइंग टू प्ले KBC विद द रिलायंस फैमिली. थैंक यू सो मच सर. बैठी जनता, और आज की रात जियो के माध्यम से करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं अमिताभ बच्चन उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. और इस बात पे तालियां बज जाएं तो अच्छा लगेगा. ये देखिए, किसी चमत्कार से कम नहीं है. आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा था कि इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ पाने, ये कैसे संभव होगा, पर ये हुआ और इस चमत्कार को कर दिया रिलायंस ने. प्यारे भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, जो अपने पुराने अनुभव को वर्तमान की लगन से मिलाकर भविष्य पर निगाह रखते हैं, सफलता उसी को मिलती है, सपने उसी के साकार होते हैं. सफलता के इसी मंत्र की सबसे बेहतरीन मिसाल मेरे सामने मौजूद हैं, आप सब रिलायंस परिवार के सज्जन पुरुष. और आज मेरे सामने रिलायंस का भविष्य अनंत, ईशा और आकाश के रूप में सब मेरे सामने बैठे, और मैं इन तीनों के साथ खेलने जा रहा हूं कौन बनेगा रिलायंस का महाज्ञानी. एक बार फिर तालियां बज जाएं इन तीनों के लिए. तो अनंत, ईशा एंड आकाश, आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू प्ले कौन बनेगा करोड़पति. आपके सामने एक वीडियो स्क्रीन है और उस पर प्रश्न आएंगे, सही उत्तर दीजिएगा. कई प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जो कि रिलायंस परिवार और जो रिलायंस व्यवसाय है उसके साथ संबंध, ओनली क्वेश्चन रिलेटिंग टू रिलायंस. तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों की जानकारी कैसे, आप लोग रिलायंस के भविष्य बनने वाले हैं, सही उत्तर बताइएगा. और देखिए, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ आप सब भी हमारे साथ खेल सकते हैं. आप सबके पास शायद जियो फोन है, उसमें जैसे जैसे प्रश्न हम डालेंगे आप उत्तर भेजिए और हम उसे स्वीकार करेंगे, और हो सकता है तो जो परिणाम होगा उसका वो भी आपको बताएंगे. ओके, खेल के नियम बहुत साधारण हैं. पहली बात तो यह है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है, हर एक प्रश्न के लिए आप जितना समय चाहें लगा सकते हैं. और इसलिए पाबंदी नहीं दी है क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि ये रिलायंस से संबंधित है तो आपको इसका उत्तर जो है बड़ी जल्दी आ जाना चाहिए, और कोई लाइफलाइन नहीं है. तो क्या ख्याल है आपका, शुरू किया जाए? चलिए, हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा रिलायंस का महाज्ञानी. लेट्स प्ले. सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, और आपको मैं बता दूं देवियों सज्जनों, प्रश्न यह है, व्हाट बिजनेस डिड रिलायंस बिगिन विथ. रिलायंस का सबसे पहला व्यवसाय इनमें से कौन सा था? ऑप्शन सुनिए, और आपके ऑप्शंस है ए स्पाइसेस, बी पॉलिएस्टर, सी टेक्सटाइल, डी पेट्रोकेमिकल्स. I think we're ready. Are you ready for the answer? बोलेंगे आप?
Isha. A, spices. Sure hain? Ye dono sure hain. Aap sure nahi hain? Sure. Inke bharose. Confident hain aap? 100%. Kya kiya jaye? Lock kiya jaye. Lock kar dein? Kamira Mahashay, A, spices pe thala lagaya jaye. Dekhein ye sahi uttar hai ya nahi? Bilkul sahi uttar hai ye. Kya baat hai? Bahut khoob. Well played. हमारे यहाँ के जो कंप्यूटर जी हैं वो हमें बता रहे हैं कि श्री धीरूभाई अंबानी ने मसालों यानी स्पाइसेस से अपने व्यवसाय का शुभारंभ किया था. फिर उसके बाद उन्होंने यान, ट्रेडिंग, टेक्सटाइल्स, पॉलिएस्टर, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस जैसे कई बिजनेसेस और भी उन्होंने शुरू की. और मैं बताना चाहता हूँ कि 83% जो जनता ने वोट दिया है वो सही था. 83% जो हमारे रिलायंस परिवार के लोग थे जिन्होंने हमारे साथ खेला है, 83% वर राइट. बी को दिया था उन्होंने 2%, सी को दिया था 9 और डी को 6%. 6% वालों को लगा कि पेट्रोकेमिकल सबसे पहले शुरू हुआ था, ऐसा नहीं था. स्पाइसेस वॉज द राइट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. आकाश, ईशा एंड अनंत, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है. और अगला प्रश्न ये रहा, ये संगीत बजना चाहिए. और प्रश्न है ये, रिलायंस जामनगर साइट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. रिलायंस जामनगर की जो साइट है उस पर इनमें से किस चीज का उत्पादन पूरे भारत में सबसे अधिक होता है. ऑप्शन सुनिए, ए मैंगोज, बी नेचुरल गैस, सी पॉलिएस्टर, डी ऑयल. अनंत स्पेंड्स द मोस्ट टाइम इन जामनगर, सो यू नो द आंसर. जी, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. क्या खुजुर बुजुर चल रहा है? लॉक किया जाए. क्या, किसको? ए मैंगोज. ऐसे ही खामखा लॉक कर देंगे, किसको लॉक करेंगे? ए मैंगोज. जी, लॉक किया जाए. मैंगोज. जी, प्रश्न एक बार फिर पढ़ रहा हूं आपके सामने. रिलायंस जामनगर साइट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंगोज, नेचुरल गैस, पॉलिएस्टर, ऑयल. आप मैंगोज. बिल्कुल, लॉक किया जाए. आकाश, लॉक किया जाए. लॉक कर दिया जाए. कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए ए मैंगोज पे. और ये बिल्कुल सही उत्तर. माई गुडनेस. देवी और सज्जनों, शायद आपको पता नहीं होगा कि रिलायंस जामनगर जो प्लांटेशन प्लांट है, हर साल, ध्यान से सुनिए, 140 किस्मों के करीब 600 टन यानी कि लगभग 6,00,000 आमों का उत्पादन किया जाता है वहां पर. 6,00,000 आम वहां पर पैदा होते हैं. और बहुत सारे आम जो हैं नीता जी हमारे घर भी भिजवा देती हैं. 600 टन नहीं आता है, 6 आ जाते हैं. और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं वो, बहुत अच्छे हैं. आम तो आम, गुठली के नाम एक कहावत है. आम तो आम, गुठली के नाम. इसको मालूम है इसका अर्थ आपको? अनंत को शायद मालूम. आम तो आम, गुठली के दाम. नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम. बचपन में हम जहाँ पैदा हुए थे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर एक बहुत छोटा सा आम होता है, उसको चुसनी बोलते हैं. एक ही बार चूसो, ख़त्म हो जाता है. तो गुठली से हमको याद आया कि एक जगह बैठ करके पलती मार के वो चुसनी आम खाते थे. और वो गुठलियाँ जो हैं वो रखते जाते थे सामने. जब गुठलियाँ बढ़ते 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 यहाँ सर तक पहुँच जाएँ, तब कहते थे कि आपने आम खाया है. इतने आम खाने पड़ते थे तब जाकर, उसके बाद दूध दूध पकाते थे. ओके, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर 71% जो जनता थी उन्होंने सही उत्तर दिया. मैंगोज, बिल्कुल सही उत्तर. 12% मिला था बी को, 6% दिया था सी को, और 11% मिला है डी को. आगे बढ़ा जाए. अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं. संगीत हो जाए इसके साथ साथ. Ready? अगला प्रश्न है, what was Reliance CSR spending
for the fiscal year 2016-17. CSR तो आप लोग समझते होंगे, corporate social responsibility. वित्तीय वर्ष 2016-17 में IRL द्वारा corporate social responsibility के तहत कितनी धनराशि समाज के लिए खर्च की गई? हर कॉरपोरेट को अब ये एक तरह से जरूरी हो गया है कि वो समाज के लिए जितना भी वो कमाते हैं उनमें से कुछ अंश वो समाज कल्याण के लिए भी दान करें. इसको CSR बोलते हैं. जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं वो दान करते हैं. तो प्रश्न ये है कि व्हाट वाज रिलायंस CSR स्पेंडिंग फॉर द फिस्कल ईयर 2016-17? और आपके ऑप्शन है ये: A 723 crores, B 523 crores, C 217 crores, or was it D 674 crores? I know it's between the 600 and 700 range. Yeah, I think it's D. 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 Okay. D. Lifeline would be coming. There's no lifeline. क्या उत्तर है आपका? Lifeline नहीं. लाइफलाइन है नहीं भाई. देयर इज नो लाइफलाइंस राइट. डी 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 674 क्रोर्स. श्योर लॉक कर दें. कमेटी महाशय, डी 674 क्रोर्स पे ताला लगाया जाए. आपका बिल्कुल सही उत्तर है 674 क्रोर्स. माय गुडनेस, 674 क्रोर रुपीस CSR स्पेंट बाय रिलायंस फाउंडेशन. देश की सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जो कि करीब 13 राज्यों को 1,20,00,000 से भी ज्यादा लोगों की सहायता में जुटी हुई है. तालियां बज जानी चाहिए इसके लिए.